बादलों की तरह इश्क की बूंद देखे एक बार को पलट के बार बार तेरे पास हर पल रहूं यही आरज़ू है मेरी मौलिया एना नु दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और टैलेंटेड है। लोग इन्हें दिव्य दृष्टि और खतरों के खिलाड़ी से जानते हैं और वहीं से इन्हें अच्छा खासा फेम हासिल हुआ जो रातों रात स्टार बन गई। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नायरा बनर्जी की लाइफ के सारे सीक्रेट्स और साथ ही आपको बताएंगे कि नायरा बनर्जी किसको कर रही है डेट और किसके साथ रिलेशनशिप में और क्यों छिपाती है अपने रिश्ते का सच। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप करते हैं नायरा बनर्जी को पसंद और जानना चाहते इनके बारे में सब कुछ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं और अभी तक किया नहीं है लाइक और सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल सदके कीता दिल भर दे कम आवे दिल भर तो दिल सदके की तू है जान मेरी पसंद तेरा तौबा तौबा तौबा। नायरा बनर्जी जो हिंदी तमिल तेलुगु जैसे फिल्मों में काम कर चुकी है। नायरा का रियल नेम मधुरिमा बनर्जी है। 14 मई 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ जो सोशल मीडिया पर नायरा बनर्जी के नाम से फेमस है। नायरा एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग कैनोस से कन्वर्ट स्कूल मुंबई से कम्प्लीट की और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन नवीन गांधी कॉलेज ऑफ लॉ से अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। पर नायरा का बचपन से ही सपना था बॉलीवुड में काम करने का। पर नायरा एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर उन्हें सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बहुत प्यार करे तेरे पास हर पल रहूं यही आरज़ू है। नायरा अपनी माँ से संकेत सा संगीत और गजल सीखा करती थी। नायरा की फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा इनका एक भाई है। इनके पापा एक मैकेनिकल इंजीनियर है और इनकी माँ राइटर है। नायरा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। नायरा ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। नायरा जब 11th क्लास में थी तभी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। 2009 में नायरा की पहली मूवी आई बॉलीवुड ट्रांसअप लॉफ्टेस्टली और इसके बाद इनकी दूसरी बॉलीवुड मूवी कमाल धमाल और माला माल आई और इसके बाद इनकी तमिल और तेलुगु कई मूवी आई और इन्हें असली पहचान मिली 2016 में वन नाइट स्टैंड से जिसमें इन्होंने सनी लियोनी के साथ काम किया था और इसके बाद इन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया था जैसे रजिया सुल्तान दिव्य दृष्टि पिशाचिनी खतरों की खिलाड़ी और अभी हाल फिलहाल ये बिग बॉस में नजर आ रही हैं और इनकी वेब सीरीज और सॉन्ग आते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब बात कर लेते हैं नायरा बनर्जी किसके साथ रिलेशनशिप में और किसको कर रही है डेट। नायरा का नाम निशांत मलखानी के साथ जोड़ा जाता है और इनकी दोस्ती भी काफी गहरी है। वहीं इनके रिलेशन की खबरें सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर है। पर नायरा का कहना यही है कि निशांत मलखानी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फ्रेंड्स वैसे आप नायरा बनर्जी को बिग बॉस में कितना पसंद कर रहे हैं? तो आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नायरा बनर्जी के सोशल मीडिया फेम के बारे में। तो इनके इंस्टाग्राम पर 6.9 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। फ्रेंड्स तो ये थी नायरा बनर्जी की छोटी सी लाइफ स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर दीजिएगा एक लाइक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू फ्रेंड्स। You're beautiful.